हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं ज्योता भट्टाचार्य जी आज फिर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ एक नया टॉपिक को लेके। आज का टॉपिक है रिलायंस जियो। जी हाँ, रिलायंस जियो ने अपना ऑफ़र को एक्सटेंड किया है 30 जून 2017 तक। तो इस ऑफ़र में भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है, वही टर्म्स एंड कंडीशंस मैं आपको आज बताने जा रही हूँ। इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और उसके बाद ही कोई डिसीजंस लें। जी हाँ, पहले तो आपने सुना ही था कि रिलायंस जियो ने अपना ऑफ़र 31 मार्च तक एक्सटेंड कर दिया था, लेकिन अब रिलायंस जियो ने अपने इस ऑफ़र को 30 जून 2017 तक एक्सटेंड कर दिया है। इस ऑफ़र में बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस है। जी हाँ, इस ऑफ़र में टर्म्स एंड कंडीशन ये भी है कि आपको अगर डाटा चाहिए तो 100 रुपये का रिचार्ज आपको करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको डाटा नहीं चाहिए तो आपको 100 रुपये का रिचार्ज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाकी सारे सर्विसेज फ्री ही हो गए आपके लिए और सिर्फ डाटा आपके लिए 100 रुपये का देना पड़ेगा। 100 रुपये देना पड़ेगा आपको डाटा के लिए। दोस्तों, आजकल ज़्यादातर लोग 4G फ़ोन यूज़ कर रहे हैं और आपको पता ही है जियो सिम सिर्फ 4G फ़ोन में ही सपोर्ट होता है, और इसलिए ज़्यादातर लोग जियो कनेक्शन ले रहे हैं। एक तरह से अगर देखा जाए तो लोग जियो सिम को अपने फ़ोन के प्राइमरी सिम में ही रख रहे हैं और ज़्यादातर कॉल्स जियो से ही कर रहे हैं। अगर जियो सिम अपने इस ऑफ़र को बंद कर दिया है तो लोग शायद जियो कनेक्शन को ही बंद कर दें, इसलिए जियो ऐसे कदम उठा रहा है। दोस्तों, जियो अभी कम से कम रुपए में ज़्यादा डेटा देने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जियो की तरह अन्य टेलीकॉम कंपनीज़ भी अपने 4G पैक्स कम कर दिया है और जियो की तरह ही ऑफ़र ला रही है। ऐसे में तो जियो को कम रुपए में ज़्यादा डेटा देना चाहिए, इसलिए जियो ने ये ऑफ़र को रखा है और लोग जियो कनेक्शन में ही अपना इंटरेस्ट दिखा रहा है। ऐसे में अगर लोगों को 100 रुपये में 3 मंथ्स वैलिडिटी का अगर 4G पैक मिल भी जाए तो इसमें कोई लॉस नहीं है, क्योंकि 3 मंथ्स वैलिडिटी में 4G पैक्स अनलिमिटेड, और वो भी अनलिमिटेड किसी भी टेलीकॉम कंपनीज नहीं दे रही है, इसलिए लोग ज़्यादा जियो में ही इंटरेस्ट दिखा रही है। और दूसरी बात ये भी है कि जियो का कनेक्शन हर जगह लगता है, दूसरे टेलीकॉम कंपनीज में 4G जो कनेक्शन है वो हर जगह लगता नहीं है। आपको 4G की जगह में 2G आ जाता है कभी कभी, आपको मिला होगा शायद, मैं अपने एक्सपीरियंस में बता रही हूँ। तो जियो का जो है 4G पैक में 4G का जो डाटा मिलता है उसका सर्विस भी बहुत अच्छा है, तो इसलिए लोग जियो, मेरी तरफ बाकी सभी लोग जियो में ही इंटरेस्ट दिखा रही है। दोस्तों, सभी कंपनीज अपने पैक्स में इजाफा कर रही है और जियो की तरह ही ऑफ़र ला रही है, लेकिन बात यह भी है कि जियो की तरह अनलिमिटेड और तो कोई भी कंपनी अभी तक नहीं कर पाई है, इसलिए ज़्यादातर लोगों का इंटरेस्ट जियो में ही है। और बात यह भी है कि जियो हमेशा से यही कहता आ रहा है कि सबसे ज़्यादा सस्ता 4G पैक मेरा ही है, इसलिए तो जियो ने इतना अच्छा कदम उठाया है। और दूसरी बात यह भी है कि ये जो अनाउंसमेंट है ये अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, ये जानकारी सभी को किसी पॉपुलर साइट्स और दूसरे जो पॉपुलर जो वीडियोस है उसमें से मिल रहा है, और ये अभी तक फाइनल जानकारी नहीं है। और देखते रहिए क्या होता है, जियो मुकेश अंबानी जी क्या नया ऑफर लेके आती है और क्या अनाउंसमेंट करती है, फाइनल होता भी है कि नहीं। अगर फाइनल हो गया तो सबके लिए खुशखबरी होगी। बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो भी आप कमेंट कीजिए, और अगर आपको बुरा भी लगा है तो भी आप कमेंट कीजिए, लेकिन आपकी राय मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। और मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, और दूसरे अपडेट्स लेके मैं आऊँगी। थैंक यू सो मच।